देश भर के कई हिस्सों में बैठे साइबर ठग आपके नाम से विदेश में कुरियर के जरिए हेरोइन, कोकेन या दूसरे मादक पदार्थ भेजे जाने की बात करते हैं। दिल्ली NCR में इन दिनों नामी कुरियर कंपनी के नाम पर साइबर ठगी के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। बातचीत के दौरान बदमाश आपको आपका आधार, पैन, मोबाइल नंबर, यहाँ तक कि आपकी बेहद गोपनीय जानकारी भी बताते हैं। बता दें कि बदमाश डर का माहौल बनाने के लिए पुलिस की वर्दी में वीडियो कॉल, वायरलेस सेट पर दूसरे अधिकारी से बातचीत, यहां तक कि थाने में लगी फोटोज भी दिखाते हैं। इस दौरान पीड़ित को और डराने के लिए क्राइम ब्रांच का नोटिस, रिजर्व बैंक का पत्र जिसमें खाता फ्रीज करने का जिक्र किया जाता है, इसके अलावा दूसरे दस्तावेज भी भेजते हैं। ऐसी ठगी से बचने के लिए कुरियर कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर एक एडवाइजरी जारी कर लोगों से कहा कि वह किसी भी बैंक की जानकारी या निजी जानकारी नहीं मांगे। यदि आपके पास कंपनी के नाम से कोई कॉल या मैसेज आए तो फौरन इसकी शिकायत करें। इसके साथ ही किसी लिंक पर क्लिक न करें, IVR पर दिए गए ऑप्शन पर भी बात न करें। चलिए आपको बताते हैं कैसे बचें ठगी से। कुरियर पार्सल के नाम से कॉल आए तो उसे नजरअंदाज करें, और अगर आप फोन उठा भी लें तो किसी ऑप्शन पर बटन न दबाएं और अपनी कोई निजी जानकारी किसी को भी उपलब्ध न कराएं। किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। ठगी होने पर नजदीकी साइबर पुलिस स्टेशन या 1930 पर शिकायत करें। कुरियर पार्सल के नाम पर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यदि पार्सल के नाम पर कोई आपको डराकर पैसे वसूलने का प्रयास करे तो बिल्कुल भी डरे नहीं और जल्द से जल्द नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर थाने में इसकी शिकायत करें। आप ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।